जिस पर किया जाए फोकस, और वह है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। इस पूरी कंपनी में एक बड़ी और तगड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। क्या हुई है ये रिस्ट्रक्चरिंग, कैसे होगा फायदा शेयर होल्डर्स को, स्टॉक आज कमजोर बाजार में जो मजबूत है, उसकी सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हैं वरुण। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो ऑल कार्गो का जो बेसिक कारोबार है ना, इसको तीन कंपनी में डिमर्ज किया जाएगा। एक होगी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, दूसरी होगी ऑल कार्गो टर्मिनल्स। तीन या दो? तीन। तीन, अच्छा एक एग्जिस्टिंग दो। होगी, अच्छा एक एग्जिस्टिंग जो है वो तो होगी, रहेगी। दो एडिशनल होगी। जो अच्छा। दो नई कंपनी आएगी वो एडिशनल होगी, वो होगी ऑल कार्गो टर्मिनल्स और ऑल कार्गो ट्रांस इंडिया रियल्टी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क। तो ये दो रिजल्टेंट कंपनीज होगी जिसमें कहीं ना कहीं जो डीमर्जर है वो किया जाएगा। अब कौन सा कारोबार किस में जाएगा ये आपको समझना है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डेपो और बल्क लॉजिस्टिक्स कारोबार जो है वो ऑल कार्गो टर्मिनल्स में जाने वाला है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट लीजिंग और हायरिंग सॉल्यूशंस और बाकी एसेट्स जो है वो ट्रांस इंडिया रियल्टी और लॉजिस्टिक्स पार्क में डीमर्ज होगा। सभी तीन कंपनीज जो है उसमें शेयर होल्डिंग जो है वो अलग अलग रहने वाली है। अगर आप देखेंगे सॉरी, तीनों में जो शेयर होल्डिंग है वो सेम रहेगी। प्रमोटर्स के पास करीब 69.9% के आसपास होगा, पब्लिक के पास करीब 30% के आसपास का हिस्सा होगा। जो डीमर्जर होगा उसके बाद ऑल कार्गो के हर एक शेयर के लिए ऑल कार्गो टर्मिनल्स और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट एंड लॉजिस्टिक्स के एक शेयर दिए जाएंगे, यानी कि सब में एक एक शेयर के आसपास आपको दिए जाएंगे। ऑल कार्गो के पास क्या रहेगा, तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स और कंटेनर लॉजिस्टिक्स का जो कारोबार है वो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में रहने वाला है। यानी कि करीब करीब 78-79% के आसपास का कारोबार जो है वो ऑल कार्गो के पास होगा, बाकी करीब 15-16% के आसपास का कारोबार जो है वो ऑल कार्गो टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड में जाएगा, और 5.6% के आसपास का जो कारोबार है वो ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट कारोबार में जाने वाला है। और इन दोनों ही कंपनी को, जो कि बाद में डीमर्जर के बाद बनेगी, उन दोनों ही को इस कंपनी का लिस्ट करने का प्लान है। जाहिर सी बात है, ये अलग अलग कारोबार पे अलग अलग तरीके से फोकस करना चाहते हैं और काफी हद तक ग्रोथ लाना चाहते हैं हर कारोबार में। इसके लिए सारे कारोबार को अलग करके यहाँ पे डीमर्जर किया जा रहा है। हाँ, और जो ब्लैकस्टोन के साथ इनकी जेवी है वो ट्रांस इंडिया रियल्टी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क जो है उनके पास ही रहने वाली है। तो ये पूरा डीमर्जर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को अच्छा करने के लिए, एक एक कारोबार पे फोकस करने के लिए ये पूरा डीमर्जर किया जा रहा है। ओके, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बेहतर करने के लिए ये पूरा डीमर्जर किया जा रहा है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। आज थोड़ा स्टॉक भी एक्शन में आते हुए दिख रहा है इस खबर के दम पर। देखते हैं यहाँ से फिर अपने लेवल्स होल्ड कर पाएगा या नहीं।